ये बरियारपुर के बादशाही पुल के सामने सामने मुंगेर की ओर और बैंक ऑफ इंडिया के सामने सामने यहाँ पर इतना बड़ा गड्ढा गुड्ढी यही था, करीब 1.5 से 2 फीट लगभग गड्ढा था। आज हम आ रहे हैं लगभग 1 हफ्ता के बाद, यहाँ पे पूरी तरह से ठीक ठाक हो गया है। पिछले वीडियो से बहुत फायदा हुआ है, लेकिन यहाँ की चौड़ीकरण में कुछ लेट लगेगा। जब बाईपास शुरू हो जाएगा चलना, उस पर गाड़ी दौड़ने लगेगा, तो हो सकता है इसके ऊपर 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 ही पुल बना देगा चौड़ीकरण करके। बहुत राहत है, और NH पे जहाँ तहाँ जो गड्ढा गुड्ढी है हो सकता है वो भी सुधार हो जाएगा। यह बरियारपुर चौक भागलपुर की ओर है, देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा था, ये गड्ढा पूरी तरह ठीक ठाक हो गया है। ये लोकेशन ईटा रोड खंजरा जो है इलाहाबाद बैंक के सामने सामने, यहाँ पर भी जो गड्ढा गुड्ढी खच्चा खुच्ची था, पानी जो बसता था, वो अभी ठीक ठाक हो गया है। 1 सप्ताह से हम पिछले सप्ताह आए थे, तो यहाँ से नज़ारा जो अच्छा लगा है वो सारी ठीक हो गया है। देखिए यहाँ पर काफ़ी पानी बसता था, और ऑटो टोटो रिक्शा रिक्शा को आने जाने में भारी परेशानी तो फोर लाइन में जो हवा जो गुजरती है उसको पूरी तरह से दिक्कत होता है आने जाने में, इसके लिए काफ़ी घटना दुर्घटना का संभावना बना रहता है। यहाँ भी ईटा वाला रोड और अलकतरा वाला रोड के बीच जो ज्वाइंट होता है वो भी टूट फूट के भसक गया था, हालांकि ये भी अभी ठीक ठाक है। चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी2 को साथ इतना सारा।